नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आसिफ रिजवी। आईपा यानी ऑल इंडियन प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है देश की प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना। इसी को लेकर के आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीत यादव जी, जो कि पूर्व छात्र नेता रह चुके हैं। इसको लेकर के आज हम बात करेंगे अजीत यादव जी से। अजीत यादव जी, जो मौजूदा राजनीति प्रचलन में चल रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? संतुष्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं हैं, और आज के दौर का समाज भी पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट न रहने के कारण ये भी हैं कि सरकार की उलझुल जो भी योजनाएं हैं वो पूरी तरीके से जनता के अंतिम पायदान तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं, जिससे लोग संतुष्ट हों। अच्छा, अगर बदलाव चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, कैसे बदलाव? ऐसा होना चाहिए कि निचला तबका जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है, बदलाव उसके चेहरे पे दिखना चाहिए, उसकी खुशी उसके चेहरे पे दिखनी चाहिए। बदलाव का अर्थ ये होता है कि उसके चेहरे से वो चीज़ें दिखने लगती हैं, और दिखने का असर ये होता है कि जो रोटी, कपड़ा, मकान, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो निरंतर पूरी होनी चाहिए। अच्छा, जो लोकतांत्रिक दल है, हर राजनीतिक दल खुद को लोकतांत्रिक कहता है, क्या वास्तव में दल लोकतांत्रिक है? पूरी तरीके से तो फिलहाल कोई नहीं है। जो भी है अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए, अपने फायदे को देखते हुए सब अपने अपने एजेंडे तय करते हैं और उसी हिसाब से राजनीति करते हैं। जो स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है वो नहीं होना चाहिए। बदलाव इस पे लाना चाहिए। बदलाव इस प्रकार से आएगा जब तक यूथ जागरूक नहीं होगा देश का, जब तक यूथ जागरूक नहीं होगा, पूरी तरीके से अपने अधिकारों को नहीं जानेगा, अपने फायदे हित की बात नहीं करेगा, देश के नुकसान की चर्चा नहीं करेगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। क्या करना चाहिए उसके लिए बदलाव? उसके लिए यूथ को बदलाव लाना चाहिए। पढ़े लिखेगा, अपने अधिकार को समझेगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है उसके बारे में अंतर करेगा, जात पात से दूर हटना चाहिए, शिक्षित समाज होना चाहिए, तभी बदलाव आएगा। अच्छा, हम लाख दावे कर लें लेकिन जो स्थानीय मुद्दे रहते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। भावनात्मक तरीके से वोट की राजनीति की जाती है और सरकार आने के बाद जो है कहीं कुछ नहीं होता है। क्या कहेंगे इसको लेकर, क्या करना चाहिए? ये तो बहुत पुरानी परंपरा हो गई हर पार्टियों की कि लोग आते हैं बहुत जोश के साथ और पूरे 5 साल काम करते हैं और लास्ट तक जाते जाते जो मूलभूत चीज़ें हैं वो छूट जाती हैं और जनता ठगी सी महसूस करती है। बदलाव भी जनता चाहती है कि करे, उसी उम्मीद में वोट भी करती है और सरकार भी बनाती है, लेकिन उसकी उम्मीद टूट जाती है और अंतिम में फिर लास्ट में आती है, फिर सोचती है कुछ नया कोई आएगा तो कुछ नया कर, फिर भी उसकी जो अपेक्षाएं वो पूर्त नहीं हो पाती। अच्छा, इसको दोषी कौन, किसको मानते हैं इसके लिए दोषी कौन? 100% कोई दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं हम भी कमज़ोर हैं, हम भी बटे हुए हैं और सरकारें तो खैर माशाल्लाह ही हैं। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन के सर्वांगीण विकास के दूसरे मुद्दे कैसे राजनीति का हिस्सा बनेंगे? पहले तो यहाँ का पैटर्न बदलना पड़ेगा। जिस पैटर्न पे ये देश चल रहा है और राजनीति चल रही है, देश तो अच्छे पैटर्न पे चल रहा है लेकिन राजनीति का जो हिस्सा है दूषित मानसिकता से जब भी काम होगा और अपने हित को वरीयता दी जाएगी उस प्रकार से जनता का कभी हित नहीं हो सकता और नहीं पूर्ति हो सकती है। तो पहले तो शिक्षा के बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के बाद जो व्यवस्थाएं के बाद शासन प्रशासन, राजनीति, इस सारी चीज़ों को वो गंदी मानसिकता से दूर रखनी पड़ेगी। अब वो हमसे, आपसे, सभी लोगों से बदलाव आएगा, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। क्या उपाय करें उसके लिए, क्या उपाय? उपाय की तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। लिस्ट ये है कि पहले तो अपने घर से भी शुरू किया जा सकता है, और दूसरी उपाय ये भी है कि सरकार बिल्कुल स्वस्थ मानसिकता से जो है कि अच्छी स्कीमें लाएं और फिर उसको लागू कराएं। अच्छा, असंतुष्ट होकर वोट देना, सपने पूरा करने के लिए वोट देना, दोनों परिस्थितियां होती हैं, तो जनता सरकार बदल भी देती है, ऐसे में सरकार भी बदल जाती है, लेकिन जनता के जो सपने होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते हैं। क्या करे जनता? जनता बेचारी तो हमेशा ठगी सी महसूस करती है। उसका ये होता है कि हम इस बार कुछ नया
कोई नया सरकार बना रहे हैं, वो सरकार आएगी तो हमारी बात करेगी, हमारे हक हकूक की बात करेगी, हमारी लड़ाई लड़ेगी, हमारे जो जेन्युइन चीज़ें हैं, जो ग्राउंड लेवल पे है, जो जमीनी स्तर पे जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी, हमारी व्यवस्थाएं ठीक होंगी, लेकिन फिर भी नहीं हो पाती हैं। फिर वही जनता जो है कि फिर उसकी मानसिकता बदलती है और ये सोच के बदलती है कि हम दूसरी सरकार के साथ जाएंगे, उसको वोट करेंगे, वो आएगी तो वो हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन वो भी नहीं सोचती है। अब वो भी वैसा ही करती है जैसे पिछली सरकारें करती हैं। अब स्तर ऐसा ख़राब हो जाता है कि जैसे देश आज़ाद हुए 70-75 साल हो गए, अब वो आज़ादी जिस मकसद से देश के क्रांतिकारियों ने लड़ भिड़ करके जो आज़ादी दिलाई थी, वो आज़ादी आज़ादी देने के बजाय उदासी देने लगी है। इस तरह का जो है कि क्षोभ जनता में होने लगता है। कहीं ना कहीं नॉन पॉलिटिकल आदमी जो ग्रामीण में क्षेत्रों में रहता है, गाँव में रहता है, वो उदास हो जाता है ये सब चीज़ों को देख करके, सह करके भी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज धीरे धीरे जागरूक हो रहा, बदलाव धीरे धीरे आ रहा है, हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां इसका बदलाव लाएं। हम इसी शुभ चिंतकों से और अपने आप से भी कहेंगे और अपने पीढ़ियों से भी कहेंगे किस तरह के बदलाव लाए। अच्छा, क्या युवाओं को नेतृत्व देना राजनीति बदलने के लिए काफ़ी होगा? पूरी तरीके से नेतृत्व इनको नहीं दिया जा सकता है। मैं भी युवा हूँ लेकिन मैं फुल फ्लेश नहीं चाहूँगा, मेरे साथ साथ अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता है। अनुभवी लोगों की आवश्यकता इसलिए है कि मैं पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं हूँ, साथ सबको लेकर के चलेंगे, सबका अनुभव रहेगा, मेरा नेतृत्व रहेगा, मेरा जोश रहेगा, तो हो सकता है कि यूथ अच्छा काम कर सकता है, लेकिन साथ में बुजुर्गों का और वरिष्ठों का सहयोग जरूरी है। अच्छा, आरक्षण ऐसे मुद्दे को सियासत में सियासत क्यों नहीं होनी चाहिए आरक्षण ऐसे मुद्दे को लेकर? आरक्षण कोई मुद्दा नहीं है, वो हिस्सा है, हकूक है, अधिकार है। ये लोग जो बताते हैं कि आरक्षण ऐसी वैसी व्यवस्था, ये गलतफहमी के शिकार हैं लोग। देश जब आज़ाद हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब आरक्षण लागू किए थे, वो इस मकसद से लागू नहीं किए थे, ये किसी का अधिकार नहीं था। बात यह थी कि जो वंचित था, जो शोषित था, उसको गिरे हुए पायदान से पीछे से लेकर के आगे लाना था, और 25 साल पे इसकी समीक्षा होनी थी। जो सरकारें बनी कभी समीक्षा नहीं हुई, उनका आकलन नहीं हुआ कि उनका किस्सा कितना स्तर बढ़ा है, घटा है, वो किस पायदान पे अभी भी खड़े हैं, इसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई सरकारों के पास। बहुत से अभी भी देश में गरीब हैं जो उसको सरकारी आंकड़े में लोग नहीं हैं, जो आदिवासी और नक्सली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, आंकड़ों में तक नहीं है। ये किसी की बात नहीं है, ये अधिकार है। आरक्षण किसी का वो किसी का कृपा पात्र नहीं है व्यवस्था, ये लोग गलत तरीके से उसको प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, धार्मिक मुद्दे को लेकर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वो हमारा आपका अलग 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 धर्म के हैं, अलग अलग उसके हैं, तो वो अपना देख सकते हैं, मैं अपना देख सकता हूँ, उसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। अब तो राजनीति नहीं हो रही, अब तो बाजारीकरण होने लगता, लोग उससे फ़ायदा लेने लगे हैं और फ़ायदा ले करके उसको मार्केटिंग करने लगे हैं। हम किसी धर्म के हैं तो हम अपनी व्यवस्था देख लें, हम जिससे हमारी मोहब्बत है हम उस भगवान को पूजेंगे, हमारा कोई साथी अगर किसी गैर धर्म का है तो उसको अपने अल्लाह ताला से मोहब्बत है तो अपने अल्लाह ताला को पूजा करेगा, वो व्यवस्थाएँ, उसका बाजारीकरण नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या इसको क्या करना चाहिए जो मौजूदा हालात चल रहे हैं इसको लेकर के? मजहब कभी आपस में बैर नहीं सिखाता है, और हालात जो चल रहे हैं वो ठीक तो नहीं है, लेकिन आपने युवाओं की बात की है तो युवाओं से यही अपेक्षा है, हम लोग भी कोशिश करते हैं कि आपसी द्वेष न फैले, इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको विस्तृत रूप से बैठ करके चर्चा होनी चाहिए, गलतफहमियाँ दूर होनी चाहिए, सभी लोगों को अपने अपने धर्म में पूरी तरीके से एक दायरा बना के रखना चाहिए, किसी में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वस्थ मानसिकता से आप धार्मिक रूप से अपने जो उनकी परंपराएं हैं उसका निर्वहन करना चाहिए, उसकी कोई परहेज नहीं है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अजीत यादव जी, जो कि लगातार जो है आईपा के सवालों का बेबाकी से जवाब दे रहे थे। मऊ से आसिफ रिजवी, आईपा।